अब टीम इंडिया को याद आएगी नानी, क्योंकि मोहम्मद शमी और संजू की एक जैसी कहानी। जी हाँ, अब टीम इंडिया को नानी याद आ जाएगी भाई साहब, क्योंकि संजू सैमसन जिसके लिए लगातार आवाज उठती रही है और मोहम्मद शमी, दोनों की एक ही जैसी कहानी है। अब कहानी एक जैसी क्यों है ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। दरअसल आप लोगों को पता है संजू सैमसन को बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद मौका नहीं मिल रहा है। पिछले एक डेढ़ दो सालों से लगातार सोशल मीडिया पर आवाज उठ रही है कि संजू को लाओ, संजू को खिलाओ, संजू को शामिल कराओ, लेकिन टीम इंडिया गांधी जी के बंदर की तरह आंख बंद करके बैठी है, ना देख रही है, ना सुन रही है और ना बोल रही है संजू को लेकर कुछ। इसीलिए अब संजू की आवाज जो है वो लगातार आग पकड़ती जा रही है। ऐसा ही हाल अब शमी को लेकर होने वाला है, क्योंकि शमी ने जैसे ही 5 विकेट चटकाए हैं बीसीसीआई परेशान हो गई है और बीसीसीआई अब ये सोचने पर मजबूर है कि भैया अब शमी को मौका कैसे दिया जाए, क्योंकि शमी ने भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। अब अगर शमी को मौका नहीं मिलता है तो जाहिर तौर पर शमी और संजू दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। दोनों के लिए बीसीसीआई को किरकिरी झेलनी पड़ेगी, दोनों के लिए सोशल मीडिया पर लगातार क्रिकेट फैंस आवाज उठाएंगे कि भाई साहब एक तो पहले संजू थे जिनको लगातार नजरअंदाज किया गया बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद, जिन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद टीम इंडिया में नहीं खिलाया गया। अब दूसरे मोहम्मद शमी हो गए हैं जिन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के बाद प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं वो मोहम्मद शमी के लिए आसान नहीं है, वो मोहम्मद शमी के लिए उतने बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई का प्लान मोहम्मद शमी को स्टपनी के तौर पर इस्तेमाल करने का है। बीसीसीआई मोहम्मद शमी को पार्ट टाइम गेंदबाज समझ रही है, बीसीसीआई मोहम्मद शमी को फ्रंटलाइन गेंदबाज समझ ही नहीं रही है, जबकि मोहम्मद शमी को दुनिया जानती है कि कितने बड़े गेंदबाज हैं। दुनिया ने देखा है कि मोहम्मद शमी के अंदर कितनी ताकत है गेंदबाजी के तौर पर, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद शमी को टीम इंडिया फ्रंटलाइन गेंदबाज नहीं समझ रही है। तो जाहिर तौर पर मोहम्मद शमी ने एक तरीके से संजू सैमसन के अपमान का बदला लिया है। जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद संजू सैमसन को मौका नहीं दिया गया, संजू सैमसन का अपमान किया गया, उनका निरादर किया गया, उन्हें टीम से बाहर किया गया, अब मोहम्मद शमी ने संजू के उस अपमान का बदला लिया है। मोहम्मद शमी ने बता दिया कि बेशक आप हमें टीम में ना खिलाओ, बेशक आप हमें मौका मत दो, बेशक आप प्लेइंग 11 में हमें शामिल मत करिए, लेकिन हम अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखते हैं, हम अपने दम पर, अपने हाथ के दम पर, अपने गट्टों के दम पर हम टीम इंडिया को जिताने की ताकत रखते हैं, बेहतर प्रदर्शन करने की ताकत रखते हैं। जो बात संजू सैमसन के अंदर थी वही बात मोहम्मद शमी के अंदर है। तो जाहिर तौर पर संजू के अपमान का एक तरीके से इन 5 विकेटों के द्वारा मोहम्मद शमी ने बदला लिया है। मोहम्मद शमी के 5 विकेट केवल विकेट नहीं है बल्कि टीम इंडिया को एक आईना दिखाया है, बीसीसीआई को एक आईना दिखाया है कि आप बेहतर खिलाड़ियों की नजरअंदाजी मत करिएगा। मोहम्मद शमी ने बीसीसीआई को साफ तौर पर इन 5 विकेटों से थप्पड़ मारा है और यह बताया है कि अगर आप नजरअंदाज करोगे तो हम इस तरीके का बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे और आपकी आपकी किरकिरी करवाते रहेंगे। जाहिर तौर पर मोहम्मद शमी को भी टीम इंडिया पिछले वनडे क्रिकेट में मौका नहीं दे रही है 2021 से व्हाइट बॉल क्रिकेट में मोहम्मद शमी का करियर खत्म माना जा रहा है, मोहम्मद शमी को मौका ही नहीं दे रही है टीम इंडिया, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से आते ही मोहम्मद शमी ने 5 विकेटों का थप्पड़ मार दिया बीसीसीआई के चेहरे पर और यह बता दिया कि आप मुझे मौका नहीं देंगे, इससे यह मतलब नहीं है कि मेरा टैलेंट खत्म हो जाएगा, मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा सकता हूं, मैं अपने टैलेंट को मैदान पर दिखा सकता हूं, यह मोहम्मद शमी ने बताया है। जाहिर तौर पर मोहम्मद शमी के 5 विकेट बीसीसीआई को आईना है कि भाई साहब अपने मनपसंद खिलाड़ियों को बाहर करने की तैयारी कर लीजिए, अपने मनपसंद खिलाड़ियों को टीम से निकालने की तैयारी कर लीजिए और जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें मौका देने की तैयारी करिए, अगर आप उनको मौका नहीं देंगे तो आपकी दुनिया आप पर थू थू करेगी, आप पर थूकेगी, आप पर सवाल खड़े करेगी कि जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करता है उसे प्लेइंग 11 में मौका दिया ही नहीं जाता है और जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं उन्हें प्लेइंग 11 में मौका दे दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर संजू सैमसन की लड़ाई में अब मोहम्मद शमी भी शामिल हो गए हैं, दोनों खिलाड़ियों की एक ही कहानी है और इस कहानी ने बीसीसीआई को परेशानी दे दी है। आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है वास्तव में बीसीसीआई मोहम्मद शमी के इस 5 विकेटों के बाद फंस गई है और मोहम्मद शमी और संजू सैमसन की क्या एक ही कहानी आपको नजर आती है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके से सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।